छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, रायपुर के ओयो रूम में मिली युवती की लाश। बिहार से आकर रुकी थी, बेड पर शराब की बोतल और सिगरेट पैकेट मिले। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक होटल में एक युवती की लाश मिली है। लाश के आसपास पुलिस को शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट भी मिले हैं। मृतका बिहार की रहने वाली बताई जा रही है और वो एक रात पहले अपनी सहेली के साथ यहां आकर रुकी थी। सोमवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि गंज थाना इलाके के नहर पारा में होटल रिलैक्स इन में एक युवती होटल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी है। पुलिस ने मौके पर पहुंची और पता चला कि वह नालंदा जिले बिहार की रहने वाली है और उसका नाम जोया खातून है, जिसकी लाश बिस्तर में पड़ी हुई है और उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिसके बाद देर रात होने की वजह से पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। फिर मंगलवार की सुबह FSL की टीम पहुंची और कमरे की बारीकी से जांच की और फिर युवती की लाश को मेकाहारा अस्पताल के मर्चुरी भेज दिया गया है। युवती होटल में पिछले 3 दिनों से ठहरी हुई थी, उसके साथ उसकी एक अन्य सहेली भी मौजूद थी, लेकिन उसकी सहेली एक दिन पहले ही होटल का कमरा छोड़कर अपने घर चली गई थी। रविवार को दिन भर जब युवती बाहर नहीं निकली तो होटल स्टाफ ने शाम को जाकर कमरे का दरवाजा खटखटाया तो स्टाफ को बिस्तर पर लाश पड़ी हुई दिखी। हालांकि दरवाजा अंदर से लॉक था या नहीं, ये अभी जांच के दायरे में है, जिसके बाद उसने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि मृतका जोया ने अपनी सहेली को पेट में दर्द होने की शिकायत बताई थी और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। वहीं लाश के आसपास शराब की बोतलें भी पड़ी हुई मिली है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि युवती की मौत अधिक शराब पीने की वजह से हुई होगी। वहीं पुलिस का कहना है कि घर वालों से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि युवती रायपुर में किस वजह से आई थी। इस मामले को लेकर गंज थाना प्रभारी आशीष यादव ने बताया कि घटना के बाद युवती के घर वालों को इसकी सूचना दी गई है। युवती के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है।